हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जाने वाली हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। तमिल बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक कीड़ा बहुत सताती है, तो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, बड़े बड़े सेटबैक्स भी मिलते हैं। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। नमस्कार, पल दो पल में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजू डागर। हमारे इस वीकली शो में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। हमारे आज के खास मेहमान बार्सिलोना ओलंपिक और अटलांटा ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तानी कर चुके हैं और साथ ही इस वक्त वो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी हैं। जी हाँ, हमारे आज के खास मेहमान हैं प्रगट सिंह जी। प्रगट जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रगट जी, सबसे पहले तो हम आपको जानना चाहेंगे कि कम से कम 14-15 साल आपने इंटरनेशनल हॉकी खेली है, तो वो एक कैसा एक्सपीरियंस रहा था भारतीय हॉकी को लीड करना? नहीं, एक अच्छा एक्सपीरियंस था, एक लर्निंग, क्योंकि वैसे तो बंदा हर टाइम पे सीखता है, और कंट्री को लीड करना इससे प्राउड मोमेंट, लेकिन उससे भी कंट्री को जिताना, क्योंकि जो तिरंगा है वो उस लेवल पे होना चाहिए, तो उसके लिए मेहनत जो है वो बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट बहुत ज़रूरी है एज ए टीम। सो उससे नॉर्मल लाइफ में भी आदमी बहुत कुछ सीखता है कि सोसाइटी में आपने कैसे रहना है, सोसाइटी को आपने फीडबैक कैसे देनी है, क्या देना है। सो ये सारा एक्सपीरियंस जो है वो अल्टीमेटली हॉकी से ही आया है। प्रगति, हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि आपने स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में हॉकी को ही क्यों चूज किया? क्योंकि मेरे गांव में हॉकी की प्रथा थी, क्योंकि शाम को कोई भी शख्स जो है वो हॉकी फील्ड में जरूर आता था, चाहे वो काम करने वाला हो, चाहे खेतों में काम करने वाला हो, चाहे पढ़ने वाले हो। सो हर आदमी शाम को हॉकी फील्ड में, सो वहीं से मेरे को ये चांस मिला और वहीं से मेरे को ये उसमें आने। प्रगण जी, थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली के बारे में और एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे कि कहाँ से प्रगट सिंह की तरफ? नहीं, मैं एक, मेरा गांव है मिठापुर जलंधर के पास, हॉकी की वो बेल्ट है कैंट के एक पॉकेट में है, वहाँ से दो फॉर्मर कैप्टन भी रहे हैं आपके। वो संसारपुर है, संसारपुर मिठापुर, ये 3-4 गाँव है जो हॉकी की बेल्ट माने जाते हैं जलंधर में। सो उसमें मेरा गाँव है मिठापुर, तो मैं एक किसान फैमिली को की मेरी बैकग्राउंड है, और मैं सिंपल स्कूल में पढ़ा हूँ, सरकारी जो स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल मिठापुर उस टाइम था, अभी वो हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो वहाँ से मेरे को ये सारा चांस मिला। तो उसके बाद जब एक टर्निंग पॉइंट आया, जब आपने खालसा कॉलेज में एडमिशन लिया? पहले स्पोर्ट्स स्कूल जलंधर में एडमिशन लिया, उसके बाद खालसा कॉलेज में। तो उसी साल मैं, क्योंकि जिस साल मैं खालसा कॉलेज में आया उसी साल मैं यूनिवर्सिटी भी खेला, इंटर यूनिवर्सिटी भी खेला, कंबाइंड यूनिवर्सिटी से मेरे आई गॉट सिलेक्टेड इनटू द नेशनल कैंप, तो वहाँ से मेरे को पिक मिला। प्रगट जी, जब से आप स्पोर्ट्स डायरेक्टर पंजाब बने हैं, तो आपने 1998 में पर्ल ग्रुप की तरफ से एक ये अपना, अभी लास्ट ईयर आपका हॉकी कबड्डी वाला हुआ था, देन उससे पहले आपने नेहरू गोल्ड कप सक्सेसफुली होस्ट किया था यहाँ पे, तो वो 4 कंट्रीज की टीम चंडीगढ़ में आई थी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था वो चीज़ें करना जो फर्स्ट टाइम हुआ यहाँ पे? नहीं देखो, जो सीखा है जो किया है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है, और जब मैंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो कि मेरे ये एक्सपीरियंस है, एज ए प्लेयर मैं क्या सोचता था, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं, मेरे को क्या करना चाहिए,
सो उसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ाया। इसी तरह मैंने एक एडवाइजर्स की टीम बनाई जो हर गेम का एक एडवाइज़र है, जो क्योंकि अगर कोई मेरे से हॉकी की बात करे, हॉकी की बात तो मैं कर सकता हूँ, हो सकता मेरे को फुटबॉल की उतनी नॉलेज ना हो, उसके लिए सरदार इंदर सिंह हैं जो फुटबॉल के अर्जुन अवार्डी हैं। इसी तरह मतलब हर गेम के एक एक दो दो लोग हैं जो जो ट्रेनिंग और जो सिलेक्शन और जो इक्विपमेंट बच्चों को मिलता है उसकी सिलेक्शन वही करते हैं, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर हमारे पास कहीं सरकारी कैंप लगता था या कुछ इक्विपमेंट आता था तो उसमें बहुत जो कहते हैं कि बहुत घटिया क्वालिटी का इक्विपमेंट वो जो होता था। सो वो मेरे माइंड में था कि ये चेंज होना चाहिए। सो वो जो जो मेरे माइंड में है या कोशिश है, क्योंकि 100% तो सोसाइटी को आप चेंज नहीं कर सकते, 100% आप किसी की सोच को चेंज नहीं कर सकते, बट जितना भी कर सकते हो उसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए। पल दो पल में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए रूबरू टुडे। आपके सपनों का लग्जरी होम अब आपके बजट में। रॉयल एम्पायर लाए हैं एसी लग्जरी अपार्टमेंट्स एडजॉइनिंग सेक्टर 20 पंचकुला में, 16.5 टावर्स विद 8 फ्लोर्स इंक्लूडिंग स्टिल्थ पार्किंग, टोटल एरिया 9.25 एकड़, 24/7 फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी विद सीसीटीवी, 24 आवर्स पावर बैकअप फॉर एसेंशियल नीड्स, वाईफाई कनेक्टिविटी एंड ईपीएडीएच सिस्टम, फ्री 1 डीटीएच कनेक्शन। द लैंडस्केप चेंजेस एज यू अप्रोच द फाइनल डेस्टिनेशन, देयर इज द म्यूजिक इन एयर, द नाइट डांसेस विद क्रोम, लाइफ टैंगल्स विद लाफ्टर, योर सेंसेस टेल यू, तो सोचिए मत, चले आइए रॉयल एम्पायर आपके सपनों का घर, पीर मोहल्ला एडजॉइनिंग सेक्टर 20 पंचकुला जीरकपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे आज के खास मेहमान हैं परगट सिंह जी, आइए जानते हैं उनसे कुछ और हॉकी के बारे में, उनके थॉट्स के बारे में, कुछ बदलाव लाने की तरफ उनके दृष्टिकोण के बारे में। प्रगट जी, आपने कुछ टाइम पहले एक मूवमेंट स्टार्ट किया था शायद cleanindia.org करके, वो क्या थी? नहीं, देखो हॉकी में या दूसरी स्पोर्ट्स में भी जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहिए वो नहीं है, तो वो एक फीलिंग है कि इसमें सुधार आना चाहिए। हमने एक क्लीन स्पोर्ट्स इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई है, तो उसका बेसिक आइडिया ये है कि जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो खेलते हैं या खेल चुके हैं, उनको इसमें प्रेरित करना कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके इसके मेंबर बनो, उसके बाद आप स्टेट में जाओ, अगर कंट्री का डेमोक्रेटिक प्रोसेस है तो उसका पार्ट बनो, और आहिस्ता आहिस्ता जो डिसीजन मेकिंग है उसमें आओ, क्योंकि अगर जितनी देर डिसीजन मेकिंग में नहीं आएंगे फिर ह्यू एंड क्राई करते रहेंगे। तो वो एक आइडिया है कि हाँ भाई, एक उस मूवमेंट को चलाना कि क्योंकि जो ओलंपिक मूवमेंट है वो जब तक उसकी मूवमेंट प्लेयर्स तक नहीं पहुंचती वो बेफजूल मूवमेंट है, बेस स्ट्रांग नहीं बना, बेस जितनी देर स्ट्रांग नहीं होगा। हॉकी में प्लेयर्स को वो अटेंशन नहीं मिलती है, अगर बात करें हम क्रिकेट के कंसर्न में तो आप, और वक्त वक्त पर आप बोलते भी रहे हो, आपने कभी हेजिटेट भी नहीं किया इस चीज़ के लिए, तो आपको कहाँ कमी लगती है? हमारे सिस्टम में कमी है, प्लेयर्स में कमी है, या हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन लीड करती है उनमें कमी? बहुत सी जगह है जहाँ कमियाँ हैं। पहली बात तो हमारी नीयत साफ होनी चाहिए कि यस वी आर ए नेशन एंड ये नेशन की नेशनल टीम है एंड नेशनल गेम है। उसमें अगर यूनैनिमसली कहीं, मेरे को तो ये भी लगता है कि यूनैनिमसली ये कहा जाए कि प्रगट यू आर नॉट गुड फॉर हॉकी, आई विल नेवर कम बैक, कि अगर नेशन को मेरी जरूरत नहीं है जब मैं उस फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता तो मेरे को उस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जितना भी हमारा मैकेनिज्म है, जितना भी हमारा सेटअप है, वो इस तरह से सोचता नहीं है, तो उसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं।
ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी प्रॉब्लम है, क्योंकि जितनी देर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं होगी उतनी देर, क्योंकि इट इज़ ए कलेक्टिव एफर्ट, इट्स नॉट ए सिंगल हैंडेड कि हाँ भाई आप सिंगल हैंडेडली आप इसको जो है वो हेड कर सकोगे, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट्स में जितनी देर हर बंदे की जो जो भी जहाँ जहाँ इन्वॉल्व है उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो देन वी विल नॉट बी एबल टू सक्सीड दैट लेवल। प्रगट जी, यहाँ पे हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, हम फॉरनर कोच को उसके लिए एप्लीकेबल पाते हैं, उन्हें ये जिम्मेवारियाँ देते हैं, हॉकी में भी हम 10 महीने के लिए हमारे पास शायद जर्मनी के कोच थे, हमारे गेहार्ड पीटर जो रेक्स थे, उनके कंसर्न में आपका क्या कहना है, क्या हमें फॉरनर कोच लेने चाहिए अपनी टीम? हमने आज तक कोचिंग मैकेनिज्म ही नहीं इस्टेब्लिश किया, जिसकी वजह से हमारा कोई कोचिंग मैकेनिज्म इस्टेब्लिश नहीं हुआ कंट्री, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पब्लिकली नहीं कहता, लेकिन जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उसको कहता हूँ कि ये ऐसा नहीं है ऐसा है, बट वही बात आ जाती है कि उनका अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो सोचते हैं कि शायद ये हमें गलत बता रहा है, फिर वो अपने एक्सपीरियंस से काम करते हैं, क्योंकि जब डिसीजन वो जो स्टेज जब डिसीजन मेकिंग ही आप नहीं करते, तो देन अल्टीमेटली आप क्या करना चाहते हैं? अगर मैं कहूँ कि मेरे को सब आता है, फिर तो मैं इसका मतलब मेरा सीखने का जो लेवल है finished. वो फिनिश हो गया। तो दुनिया में रिसर्च, दुनिया में जो पॉजिटिव थिंकिंग है, फिर वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो प्रगट जी, अगर बात करें कि नेशनल हॉकी टीम में तो फिर भी चलो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज की जाती है, लेकिन महिला हॉकी की बात की जाए तो शायद वर्ल्ड कप आता है तब कभी कभी कुछ कुछ थोड़ा सा। नहीं, महिला हॉकी में भी यही प्रॉब्लम है जो मेन हॉकी में है, क्योंकि देखो बड़ी सीधी सी बात है, जितनी देर हमारा सेटअप ठीक नहीं होगा उतनी देर हम प्रोग्रेस की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, इक्का दुक्का प्रोग्रेस हो जाएगी, सारा सिस्टम हो जाएगा, बट उतनी देर उम्मीद नहीं की।